माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। इसके बाद प्रवेशिका और व्यावसायिक शिक्षा का भी परिणाम जारी किया गया। 10वीं के परीक्षा परिणाम में भी बेटियां अव्वल रही। इस दौरान छात्राओं का परीक्षा परिणाम 80.35% जबकि छात्रों का परिणाम 79.45% रहा। वहीं 10वीं कक्षा का कुल परिणाम 79.85% रहा है। इसके अलावा प्रवेशिका की परीक्षा में कुल परिणाम 61.01% रहा है। इस मौके पर पाठ्यक्रमों को लेकर हो रहे विवाद के बारे में बोलते हुए शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने पाठ्यक्रम में गलतियां छात्रों पर थोपी और जो गलतियां पढ़ाई जा रही है उन्हें हटाने का फैसला किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट आज और प्रवेशिका का जारी हुआ है वो रिजल्ट गत वर्षों की तुलना में एक हफ्ते पहले जारी किया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारियों का जिन्होंने दिन रात मेहनत की है उनको मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं और तमाम जो सफल परीक्षार्थी रहे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा किया है और सरकारी स्कूलों का जैसे आप देख रहे हो इस वर्ष चाहे विज्ञान 12वीं का परिणाम हो चाहे कला का 12वीं का परिणाम हो चाहे आज 10वीं का परिणाम हो वो सरकारी स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं समझता हूँ इसको और आगे बढ़ाएंगे